दोस्तों, लोकसभा इलेक्शंस के रिजल्ट जो है वो जारी है। अभी उसका असर जो है वो शेयर मार्केट पे दिख रहा है। जैसे एग्जिट पोल आए थे तो 2000 प्लस पॉइंट्स की बढ़ोतरी ली थी बैंक निफ्टी में, और निफ्टी ने भी 700 प्लस की बढ़ोतरी ली थी। वो अब वापस से नीचे आ चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2000 से ऊपर माइनस चल रहा था बैंक निफ्टी, अब थोड़ा थोड़ा फिर से ये कम बैक ले रहा है। और निफ्टी अभी फ़िलहाल माइनस 650 पॉइंट से पीछे चल रही है। तो काफ़ी असर पड़ रहा है इलेक्शंस की वजह से, इलेक्शंस के रिजल्ट की वजह से। लेकिन यहाँ पे आपको घबराना नहीं है, क्योंकि ये अभी बाउंस बैक हो रहा है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वापस से बाउंस बैक होने वाला है। जैसे ही बीजेपी की अगर सत्ता आती है तो यहाँ पे बाउंस बैक वापस से हो जाएगा 3-3.5 बजे तक। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जो 2000 पॉइंट से माइनस था वो अभी 1600 पे आ चुका है। और यहाँ पे मैं अभी आपका पोर्टफोलियो दिखाता हूँ मेरा भी, जो आज का देख सकते हो भाई 1000 प्लस में लगभग लॉस चल रहा है। लेकिन आपको यही पे मौका होता है कि आप बाय ऑन डीप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि हुड़को वगैरह, टाटा स्टील, जो जो आपके पास स्टॉक्स वगैरह है, तो आप उनमें देख सकते हैं माइनस बहुत ज़्यादा लग चुका है, घटा हुआ है अभी LTP। तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो, डिप हो चुका है तो बाय ऑन डिप कर सकते हो, और आपका एवरेज जो हो वो काफ़ी अच्छे से सुधार सकते हो। तो काफ़ी ऐसे स्टॉक्स है जो अभी निगेटिव में चल रहे, तो इनको आप अभी बाय कर सकते हो, क्योंकि ये फिर से बढ़ने वाले हैं थोड़े ही समय में। तो ये आपको फ़ायदा होता है कि अगर आपका यहाँ पे मार्केट निगेटिव भी चल रहा है तो आप बाय ऑन डिप कर सकते हो, और अच्छे स्टॉक्स में काफ़ी फ़ायदा जो है वो बाद में लुटा सकते हो।